एटीएम कार्ड का पासवर्ड और पिन अगर आप भूल चुके हैं, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप एटीएम कार्ड में गए, अपना पिन डालें, उसमें पिन डालें, आपका पिन रॉन्ग बता रहा है, इनवैलिड कर दे रहा है, या आप किसी तरह से पासवर्ड भूल चुके हैं, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अपने एटीएम कार्ड का पिन और पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल स्टेप है, जो भी आपका बैंक होगा उस एटीएम में जाना है, किसी अदर एटीएम में नहीं जाना है। अगर आपका स्टेट बैंक है तो आपको स्टेट बैंक एटीएम में जाना है, अगर आपका यूनियन बैंक है तो यूनियन में जाना है, इंडियन के एटीएम बैंक में जाना है। तो मेरे पास जैसे अभी एसबीआई का कार्ड है, तो मैं एसबीआई एटीएम में चलता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ पिन जनरेट कैसे नया कर सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। ऐसे छोटी सी वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप वहाँ से हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है बैंक से रिलेटेड, एटीएम कार्ड से रिलेटेड, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। सबसे पहले पिन चेंज करने के लिए मैं एसबीआई के एटीएम मशीन में चल रहा हूँ, एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगाता हूँ। एटीएम कार्ड लगाते ही आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा लैंग्वेज चेंज करने के लिए, तो आपको जो भी परफेक्ट लैंग्वेज पड़े उसको चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज करता हूँ, उसके बाद एक ऑप्शन और पूछेगा यस या नो, उसको यस कर देना है। फिर आपको आगे कुछ नहीं छेड़ना है, जो भी डिस्प्ले पे आपको पिन जनरेट नाम से दिखेगा, पिन जनरेट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर टैप करते ही सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर मांगेगा, जो भी आपका बैंक में अकाउंट नंबर है, जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है रजिस्टर वही नंबर डालिएगा। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल दे रहा हूँ, एक बार यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिएगा, तो इस पे प्रोसेस खत्म नहीं होता, यहाँ से पिन चेंज होगा, बट आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी किस प्रकार से आएगा, जो कि मीनिंग के रूप में लिखा रहेगा, जैसे 379। देखिए मैं आप छोटी सी डिस्प्ले लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मैसेज आएगा आपके फोन पे। तो ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, एटीएम मशीन से एटीएम निकाल लेना है, फिर से आपको एटीएम लगाना है। एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड डालेंगे तो फिर से आपका ऑप्शन खुल जाएगा, जो भी लैंग्वेज आपको चूज करना है चूज कर लीजिएगा, उस डिस्प्ले फिर आ जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा आपको, पिन जनरेट फिर दिखेगा। आपको पिन जनरेट नहीं करना है इस समय, आपको पिन चेंज के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, पिन चेंज वाले पे क्लिक करना है। वहां पे आप जैसे टैप करेंगे क्लिक करेंगे, अब आपको यह ध्यान रखना है, जो भी हमारे मोबाइल में मीनिंग के रूप में आया है मैसेज 231 लिखा है, जैसे 1 आया तो ONE1 लिखा रहेगा, 2 आया रहेगा TOW लिखा रहेगा, तो ठीक है इसको आपको 4 अंक को टाइप कर देना है। उसको टाइप करते ही ओके करने के बाद आपको फिर बोलेगा न्यू पासवर्ड जनरेट, आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना के ओके कर लीजिएगा, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, फिर से आप एटीएम कार्ड निकाल के फिर से आप पैसा निकालिएगा, तुरंत पैसा निकल आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ, और कोई भी आपको दिक्कत आती है प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स पड़ा है खाली, वहां से आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ।